आज हम विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ के बारे में विस्तार से जानेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी यहां आना पसंद करते हैं। आइए इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक मान्यता के बारे में जानें। बाबा केदारनाथ की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि पांचों पांडव अपने गुरुओं तथा भ्रताओं की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। पांडवों को बताया गया कि भगवान शिव की शरण ही उन्हें पाप से मुक्ति दिला सकती है। इसी कामना के साथ उन्होंने भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेनी चाही और वे अंत ध्यान होकर केदार नामक पर्वत में जा बसे। पांडवों को जब पता चला तो वो उनके पीछे केदार पर्वत पहुँचे। भगवान शिव पांडवों को आता देखे बैल का रूप धारण कर पशुओं के बीच छिप गए। शिव जी का दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक नई योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैरों को पर्वत के दोनों ओर फैला दिया। कहा जाता है कि सभी पशु भीम के पैरों के बीच से होकर गुजर गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शंकर गुजरने को तैयार नहीं थे। भगवान शंकर को पहचान कर भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगी। उसी क्षण भीम ने बैल का पिछला भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव को यहाँ बैल के पीठ की आकृति को पूजा जाता है, जिसे बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें।